भारत एक ऐसा देश है जहां अगर सियासत पर फतह पानी हो तो दिल्ली का रुख किया जाता है। जी हाँ, ये आज नहीं बल्कि हजारों साल से चला आ रहा है। अब इतिहास के पन्ने पलटकर देख लीजिए, बाबर हो, अकबर हो या खिलजी हो, सबकी बस एक ही इच्छा रही है और वो है दिल्ली फतेह। और अब राजस्थान के नेताओं को भी मिला है दिल्ली फतेह का मिशन। क्या है ये मिशन, कौन कौन शामिल है इसमें, ये जानने के लिए पूरा देखिए हमारे इस वीडियो को। राजस्थान में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद राजस्थान के बीजेपी और कांग्रेस नेता ने अन्य राज्यों का रुख कर लिया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को फतेह करने में राजस्थान के नेताओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है। दरअसल दिल्ली की सीटें जीतने को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी ने प्रदेश के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। राजस्थान से सटी दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं और अभी 7 ही सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इन सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए 25 मई को 6ठे चरण के वोट डाले जाएंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से लेकर सीएम भजन लाल तक को शामिल किया गया है। इसके अलावा राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुर्जर को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी राजस्थान के 2 बड़े नेताओं को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को जहां नॉर्थ दिल्ली में ऑब्जर्वर लगाया गया है, वहीं राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को चांदनी चौक लोकसभा सीट पर ऑब्जर्वर लगाया गया है। कांग्रेस के आक्रामक नेताओं की फहरिस्त में सचिन पायलट का नाम भी शामिल है। ऐसे में पार्टी पायलट का भरपूर उपयोग करती दिख रही है। उन्हें हाल ही में उड़ीसा राज्य के लिए जारी स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल किया गया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि उड़ीसा की 40 स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम नहीं है और प्रदेश से एकमात्र नेता पायलट को ही चुना गया है, जिसके चलते पायलट के कंधों पर बतौर स्टार प्रचारक अन्य राज्यों में कैंपेनिंग करने का जिम्मा भी है। वैसे तो 4 जून को पता लग ही जाएगा कि आखिर किसकी होगी दिल्ली, लेकिन आपको क्या लगता है, आखिर कौन कर पाएगा दिल्ली फतेह, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।